This session is being recorded, and this is Sir Sibur Rahman. I'm a professional English language and IELTS instructor. And if you are really looking forward to improving your spoken English, you are on the right platform. If you are seriously interested that I should improve my English, अगर आप सोचते हैं कि यार मुझे वाकई अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करना चाहिए, तो बेटा दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म वेयर यू आर स्टैंडिंग, सिटिंग, लाइंग, आई डोंट नो, हो सकता है आप बैठे हो, लेटे हो, या यू मे बी स्टैंडिंग, यू मे बी वॉकिंग, यू मे बी सिंपली मूचिंग अराउंड और मूविंग अराउंड. सो बट दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म फॉर ऑल ऑफ यू, एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू. एंड दिस इज सर सिबर रहमान. एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें. मैं ऐसा इसलिए नहीं कहता बिकॉज आई एम अ यूट्यूबर, क्योंकि मेरे अक्सर पूरे पूरे लेक्चर्स यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल होते हैं, और वो स्टूडेंट्स जो मेरे इस कोर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते वो जा करके देख सकते हैं डेली बेसिस के ऊपर. कोर्स कॉन्टेंट से पहले आपको टाइमिंग्स के हवाले से बता दूँ, जिस दिन आप रेगुलर अपनी क्लासेस में चले जाएंगे, आपके 3 दिन वर्कशॉप में रहते हैं, मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे मेरी हर हफ्ते वर्कशॉप्स होती हैं, और उसके बाद फिर आप अपने रेगुलर सेशंस के अंदर चले जाते हैं. रेगुलर सेशंस के अंदर जो आपकी टाइमिंग्स होती हैं वो ये होती हैं, 10 से 12, 3 से 5, 8 से 10, एंड 1-to-1 डिस्कशंस. इस वक्त मेरे पास एक 1-to-1 डिस्कशन सेशन चल रहा है, यानी कि आप सबसे ज़्यादा जो मोस्ट डिमांडिंग है ना, वो स्टूडेंट चाहते हैं कि मैं बात करूँ, कोई मुझे सुने और मैं किसी से बात करूं. आई वॉन्ट टू स्पीक फॉर 30 मिनट्स, फॉर एन आवर. तो ये मुमकिन हो सकता है 1-to-1 डिस्कशन सेशन में, बिकॉज वेन यू आर इन अ क्लास, वेन यू आर अ पार्ट ऑफ द क्लास, यू हैव 20 स्टूडेंट्स, एंड इफ यू स्पीक यू विल स्पीक फॉर 2-3 मिनट्स. नो डाउट यू इम्प्रूव फ्रॉम दैट प्लेस एज वेल एज दैट प्लेटफॉर्म, दैट क्लास. बट द इफ यू वॉन्ट टू इम्प्रूव फैस्टर, आई विल एडवाइस यू टू बी अ पार्ट ऑफ 1-to-1 डिस्कशन. If you can speak English a bit, you can must become a part of 1-to-1 discussion. You will definitely improve within a month. हमने आपके लिए मंथली पेमेंट अलाउ कर दी है, जो बहुत अक्सर बच्चे कहते थे हम एक साथ 6,000 रुपये नहीं दे सकते, तो मंथली पेमेंट आपके लिए हमने एप्लीकेबल कर दी है. आप मंथली पेमेंट बिल्कुल कर सकते हैं, 1,000 रुपीज़ आप एडमिशन फीस सबमिट करवाएंगे, 2,000 रुपये महीना, यानी 3,000 रुपये जमा करा करके आप इस कोर्स की एक्सेस ले सकते हैं. अगर आप लमसम पेमेंट करते हैं तो वही पुरानी ऑफर चल रही है, 6,000 फॉर 3 मंथ्स. अब देखें कब तक ये ऑफर्स चलती हैं 50% की, हालात इजाज़त नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी लोग सीखना चाहते हैं और पैसा उनके पास है नहीं, मुल्क के हालात बिगड़ रहे, लोग बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो चाहते हैं कि अपने लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव करें तो वो बाहर जा सके, बिकॉज विदाउट आयल्स यू कैन नॉट मूव अब्रॉड. आज का जो मेरा लेक्चर है, लेक्चर 1 मैंने डिलीवर कर दिया, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको लाजमी देख लीजिए. बहुत आसान लेक्चर था, मज़ा आया था उसमें आप लोगों के साथ. मैंने उसका एक टेस्ट भी शेयर किया है, लेक्चर 1 टेस्ट 1, अपना व्हाट्सएप चेक कीजिएगा, लेक्चर 1 और टेस्ट 1. लेक्चर 1 को सुनिए, टेस्ट 1 में अपेयर होइए, और टेस्ट 1 में अपेयर होने के बाद अपने स्कोर का स्क्रीनशॉट मुझसे शेयर करें, ताकि मुझे पता चलता रहे हाँ भाई बच्चे टेस्ट में अपेयर हो रहे हैं. वैसे मुझे वैसे भी पता चल जाएगा जब मैं कल रिजल्ट शेयर करूंगा तमाम स्टूडेंट्स का. उसके आज का जो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सेंटेंस वेरिएशन के ऊपर. हमने अभी सेंटेंस फॉर्म, काइंड ऑफ सेंटेंसेस को देखा था, अब हम आज के सेशन में पढ़ेंगे सेंटेंस वेरिएशन. आखिर में आपसे कुछ बातें भी करेंगे, डिस्कशन सेशन भी होगा एक, ताकि आपको पता चले. आप कभी भी हमारे सेशंस का हिस्सा बनना चाह रहे हो, जो ये सेशन रिकॉर्डेड देख रहा है, आप 3 दिन की वर्कशॉप लें, जो जिंदगी में आपको एक दफा हम अलाउ करते हैं इन फ्री वर्कशॉप्स को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि लोग फ्री के लिए तो बार बार जिंदगी भर ज्वाइन करते रहेंगे. सो वी अलाउ यू वंस इन अ लाइफ टाइम टू बिकम अ पार्ट ऑफ फ्री वर्कशॉप फॉर 3 डेज, मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे. और ये वर्कशॉप्स आपको मिल जाती हैं, इसका हमने थोड़ा सा पैटर्न जो है और टाइमिंग्स हमने थोड़ी सी चेंज कर दी है. वो तमाम स्टूडेंट्स अपने स्क्रीन पे नोट कर लीजिएगा जो रिकॉर्डेड सेशन सुन रहे हैं, कि हम जो आपको अब वर्कशॉप्स ऑफर कर रहे हैं वो दिन में 4-3 दफ़ा ऑफर करते हैं. 4 से 5 के अंदर हमारी एक वर्कशॉप हो रही है, एक 7 से 8 में, और रात में जो 10 से 11, तकरीबन 10:15 पे स्टार्ट होती है, 10:15 से 11, वो आयल्स पार्टिसिपेंट्स के लिए होती है स्पेशली. अगर आपको लगता है कि आने वाले वक्तों में आप आयल्स की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आप वो वर्कशॉप भी ले सकते हैं, उसकी आपको बिल्कुल इजाज़त दी गई है, नो प्रॉब्लम एट ऑल.
और अगर आपको लगता है कि मुझे आइल्स की तैयारी 6 महीने बाद करनी है, तो आप पहले स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कर लें तो आपके लिए बहुत आइडियल हो जाता है, और उसके बाद फिर आप जाइए, फिर आप कीजिए आइल्स। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, यू हैव लेस टाइम एंड यू हैव टू डू आइल्स, तो अब आइल्स के साथ भी हम आपको फुल ग्रामर सपोर्ट देते हैं, हम आपको एक्स्ट्रा स्पीकिंग के सेशंस भी देते हैं, ताकि आप कम वक्त के अंदर अपने टारगेट को अचीव कर सके। ठीक है बेटा, बात क्लियर हो रही है? आई एम जस्ट शेयरिंग माई अनदर स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू एंड द अपडेटेड स्क्रीन एज वेल, सो यू यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट ऑफ इट। ये आपके सामने आ गई। ठीक है बेटा, चलिए। तो ये हमारी आजकल वर्कशॉप की टाइमिंग्स चल रहे हैं, आप जब भी ज्वाइन करना चाहें, यू आर नॉट फोर्स्ड, यू कैन ज्वाइन अस एनी टाइम। हमारे हर हफ्ते से हमारे नए सेशन स्टार्ट हो रहे होते हैं, 1 जनवरी, 8 जनवरी, 15 जनवरी, 22 जनवरी, 29 जनवरी, ऑलमोस्ट 50 पीपल आर वर्किंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म, राइट? मेरे जो आपके साथ रेगुलर सेशंस होते हैं, उनके डेज आपके पास अपडेट हो जाएंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, जैसे ही आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होती है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर 1 मैं फिर बता दूं, अगर आपने लेक्चर 1 आज का नहीं अटेंड किया था, तो आपके व्हाट्सएप के ऊपर मैंने शेयर कर दिया, एक दफा फिर शेयर कर दूंगा, वो लाजमी देखें। बात शुरू कर रहे हैं वहीं से जहां से डिस्कनेक्ट की थी दोपहर में, वेरिएशन ऑफ आ सेंटेंस। तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जा, खास तौर पे वो तमाम पार्टिसिपेंट्स जो आने वाली जिंदगी में आयल्स के पेपर में अपेयर होने जा रहे हैं। यहां से आयल्स वालों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आयल्स के अंदर ग्रामर, वोकैबुलरी और एक चीज होती है सेंटेंस वेरिएशन, जिसके मार्क्स मिलते हैं। ये 25% मार्क्स आपको आपके एग्जाम में देता है, अगर आप इसको आज के सेशन में समझ लें। सबसे पहली चीज, सिंपल सेंटेंस क्या होता है? तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो, मुझे कंफर्म कीजिएगा मेरी आवाज तमाम स्टूडेंट्स को बिल्कुल क्लियर आ रही है। क्लॉज और सेंटेंस सिमरन सेम चीज है, आपने डिफरेंस पूछा। आई स्पीक इंग्लिश, इट इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, इज इक्वल टू, इट इज अ सेंटेंस। और अभी इसका तीसरा नाम भी आपके पास आ रहा है, मैंने जब वेरिएशन ऑफ सेंटेंस की बात शुरू करी, तो अब सबसे पहली चीज आ गई सिंपल सेंटेंस। और अगर आप सिंपल सेंटेंस को देखें, तो देखिए सिंपल सेंटेंस इज एक्चुअली इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज मैंने बताया, समझाया, दिमाग में बिठाया, बार बार बताया, इंडिपेंडेंट क्लॉज एक ऐसा सेंटेंस जो अकेले खड़ा हो सकता है, उसे किसी और दूसरे क्लॉज की जरूरत नहीं। शी रैन टू कैच द बस, बात खत्म हो गई, इट इज अ सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस कैन बी अ नेगेटिव वन, आई डोंट अंडरस्टैंड योर लेक्चर, इट इज अ सिंपल सेंटेंस। नो मैटर इट इज नेगेटिव, अफर्मेटिव, क्वेश्चन, बट इट इज अ सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का मतलब क्या है? इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, एंड इट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट, इट गिव्स यू कंप्लीट मीनिंग। क्या आपके पास, देखें, कुछ इस तरह के सिंबल्स होते हैं जो ड्यूरिंग द सेशन आप लोग इस्तेमाल करते रहा करें, इससे मुझे आसानी होती है। ये जो टिक नजर आ रहा है, मेरी बात आपको समझ आ रही है? सिंपल सेंटेंस क्लियर आपको हो रहा है? व्हाट इज सिंपल सेंटेंस? बहुत आसानी से, इंडिपेंडेंट क्लॉज, अजवा, इंडिपेंडेंट क्लॉज इज इक्वल टू सिंपल सेंटेंस। इंडिपेंडेंट क्लॉज इज इक्वल टू अ सेंटेंस, एक ऐसा सेंटेंस विच कैन स्टैंड अलोन। द सन इज शाइनिंग, जॉन लाइक्स टू प्ले द गिटार, सर हसीब टीचेस अस, इट इज अ सिंपल सेंटेंस। इट इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट का मतलब खुद मुख्तार, एक ऐसा जुमला है जिसको किसी दूसरे जुमले की जरूरत नहीं है। आई एंजॉय रीडिंग बुक्स, द कैट इज स्लीपिंग पीसफुली, शी रैन टू कैच द बस।
It means that a sentence which needs no other sentence. It is a simple sentence. अब मुझे चाहिए कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस कैसे क्रिएट होता है? बहुत ही आसान बात है, लेकिन मुझे बचपन में किसी ने समझाई नहीं। मैंने ये चीजें अपनी सेल्फ स्टडी से सीखी और ऐसे नोट्स आप लोगों को क्रिएट करके दिए कि आपको बातें बहुत आसानी से समझ आ जाए। ठीक है बेटा, कंपाउंड सेंटेंस इज इक्वल टू टू सिंपल सेंटेंसेस। दो सिंपल सेंटेंसेस, तीन सिंपल सेंटेंसेस को अगर आप जोड़ना चाहते हैं, आपकी प्रॉब्लम पता है यही है, आप दो बातों को जोड़ नहीं पा रहे होते, और जोड़ने के लिए जो चीज चाहिए होती है वो आपको आती नहीं। देखिएगा एंड, देखिएगा बट, देखिएगा देयर फोर। बच्चों को इसमें इतनी प्रॉब्लम है कि मैंने इसके ऊपर बाकायदा तौर पर कंजंक्शंस के ऊपर एक अलग से लेक्चर रिकॉर्ड किया है। आर्टिकल्स में बच्चों को इतनी प्रॉब्लम है कि मैंने आर्टिकल्स के ऊपर अलग से लेक्चर रिकॉर्ड किया है। इसी तरह से प्रपोजिशंस के ऊपर बच्चों को इतनी प्रॉब्लम है कि मैंने अलग से लेक्चर रिकॉर्ड किया, उसके अलग से नोट्स क्रिएट किए हैं, वो मैं आपसे ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आपको कंजंक्शंस को लाजमी तौर के ऊपर उस लेक्चर को सुनिएगा, मैंने बहुत डिटेल में कंजंक्शंस पढ़ाए हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए मुख्तसर आपके सामने पांच कंजंक्शंस हैं। कंजंक्शंस को हम दूसरे अल्फाजों में कहते हैं लिंकिंग वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो आपके सेंटेंस को जोड़ते हैं। और कौन से सेंटेंस को जोड़ेंगे? दो सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का मतलब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ये जोड़ देते हैं। आई वेंट टू द स्टोर, अच्छी बात है। आई बॉट सम ग्रॉसरी, बहुत अच्छी बात है। जब आप दो पॉजिटिव आइडियाज जोड़ते हैं तो बीच में आप एंड लगा देते हैं, मैं स्टोर गया। अच्छा, ये सीरीज ऑफ एक्शन भी होती है कि मैं स्टोर गया और वहां से मैंने कुछ ग्रॉसरीज खरीद, कि आपने एक एक्शन किया उसके बाद दूसरा एक्शन सामने आया तो आप बीच में एंड लगाते हैं। बट का इस्तेमाल आप जब करते हैं जब आप कंट्रास्ट शो करना चाहते हैं। बट की उर्दू मीनिंग्स अपने पास आप सबके जहन में होगा, लेकिन शी लव्स प्लेइंग सॉकर, उसे सॉकर खेलना, फुटबॉल खेलना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बट शी ऑल्सो एंजॉय स्विमिंग, लेकिन उसको तैरना भी बहुत अच्छा लगता है। ही स्टडीड हार्ड फॉर द एग्जाम्स, उसने बहुत ज्यादा एग्जाम्स के लिए मेहनत की थी। हम देयर फोर का इस्तेमाल जब करते हैं जब हमने जो बात पहले कही होती है उसका कोई रिजल्ट हमारे सामने आता है। लिहाजा, लिहाजा ही स्टडीड हार्ड फॉर द एग्जाम्स, लिहाजा उसने ए ग्रेड हासिल कर लिया। ये देयर फोर इसलिए लगा कि उसने जो पीछे सेंटेंस आपने लिखा है उसका असर क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या आया। देयर फोर, जब आप दो चीजों के अंदर चॉइसेस देते हैं, या आप या तो यू कर सकते हैं हम, या ऐसा भी कर सकते हैं, आई कैन वॉक टू वर्क, मैं पैदल भी काम पे जा सकता हूं, या फिर मैं बस भी ले सकता हूं, जैसा आपको बेहतर लगे, आप जो मेरे लिए आसान होता है मैं कर लेता हूं। द स्काई इज क्लियर, सो का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं कि जो हमने सेंटेंस पहले लिखा होता है उसके उसको सामने रखते हुए। द स्काई इज क्लियर सो लेट्स गो शॉपिंग। आप मुझे बताइए यहां पर एंड लगा सकते हैं? आप लोग खुद लगाकर चेक करें, द स्काई इज क्लियर एंड लेट्स गो शॉपिंग, अजीब सी बात नहीं हो गई? द स्काई इज क्लियर बट लेट्स गो शॉपिंग, समझ रहे हैं बात मेरी, कि आप खुद भी ट्राई किया करें, द स्काई इज क्लियर देयर फॉर लेट्स गो शॉपिंग। आपका जबान खुद ही अटकती है, द स्काई इज क्लियर और लेट्स गो शॉपिंग, देखें ये आ ही नहीं रहा। तो जब आप कंजंक्शंस के इस्तेमाल में पक्के हो जाते हैं तो आपकी जबान खुद ब खुद अटकना शुरू हो जाती है कि नहीं, यहां पर सो की जगह मैं ये एंड नहीं लगा सकती। ठीक है, बात समझ आ रही है? व्हाट इज कंपाउंड सेंटेंस? व्हेन यू कंबाइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, जब आप दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ते हैं, जब आपने दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ दिया वो कंपाउंड सेंटेंस बन गया, और कंपाउंड सेंटेंस के लिए आपको कंजंक्शंस की जरूरत पड़ती है। आ गई बात समझ? आगे चलिए, अब आपकी जिंदगी में आ रहा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस।
अगर आज दोपहर का सेशन आपने नहीं अटेंड किया था, मैं बार बार कह रहा हूं, मेरा लेक्चर वन जरूर सुनिएगा, क्योंकि मैंने उसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज एक्सप्लेन किया है। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर भी आप दो सेंटेंसेस को जोड़ने जा रहे हैं। व्हेन यू कंबाइन टू सेंटेंसेस, तो अब आप देखें सेंटेंसेस की नौइयत को समझना पड़ता है कि ये जो सेंटेंस है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है या डिपेंडेंट क्लॉज है। अब आप अपनी स्क्रीन पर देखिए और मुझे बताइए, आफ्टर आई फिनिश माई वर्क, मैंने आपकी चैट्स ऑन कर दिए हैं, आफ्टर आई फिनिश माई वर्क, बताइए ये डिपेंडेंट क्लॉज है या इंडिपेंडेंट? ये डिपेंडेंट क्लॉज है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी एक बच्चे का सवाल आया है, सर हम डिपेंडेंट क्लॉज, व्हाट इज क्लॉज एंड सेंटेंस, बोथ वी हैव सेंटेंस, कोई डिफरेंस नहीं है ना, आपको डिफरेंस क्यों आप चाह रही है कि आपके सामने है? सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक ही चीज के तीन नाम है, नो डिफरेंस बेटा। अब सेंटेंस, अगर मैं किसी को सेंटेंस कह देता हूं तो इसका मतलब ये इट गिव्स मी कंप्लीट मीनिंग, तो आफ्टर आई फिनिश माय वर्क मैं इसको सेंटेंस नहीं कह सकता, वरना सेंटेंस की डेफिनेशन गलत हो जाएगी, दैट इट गिव्स मी कंप्लीट मीनिंग। लेकिन अगर मैं एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की डेफिनेशन आपके सामने रखूं, एक सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन सामने रखूं, एक सेंटेंस की डेफिनेशन सामने रखूं, तो तीनों डेफिनेशन सेम है। सो इफ यू आर राइटिंग अ सेंटेंस एंड हसीब इज आर इंग्लिश टीचर, इट कैन बी अ सेंटेंस, इट कैन बी एन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड इट कैन बी अ सिंपल सेंटेंस। आ गई बात समझ? ठीक है बेटा, तो मैंने आपको बताया ना क्लॉज, अगर अब आपके सामने जब भी मैंने कहा आफ्टर आई फिनिश माई वर्क, क्या मैं इसको सेंटेंस कह दूं? लेनोवा बताओ, अब आपके लैपटॉप का नाम आ रहा है तो मैं लेनोवा ही बोलूंगा, कि आफ्टर आई फिनिश माई वर्क क्या मैं इसको सेंटेंस कह दूं? नहीं, नहीं सर, आप इसको सेंटेंस नहीं कह सकते। आई विल गो फॉर अ वॉक, यू कैन कॉल इट अ सेंटेंस, यू कैन कॉल इट एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, यू कैन कॉल इट अ सिंपल सेंटेंस, और चौथा नाम भी दे दूं, यू कैन कॉल इट अ मेन क्लॉज। जब आप अंग्रेजी से खेलेंगे ना आपको मजा आएगा, तो शुरू में थोड़ी परेशानी होती है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम व्हेन यू अंडरस्टैंड यू एंजॉय अ लॉट। मिदत, आपने दोपहर का लेक्चर लिया था बेटा? अगर नहीं लिया था तो उसको लाजमी देखिएगा, तो चीजें बहुत आसानी से क्लियर होंगी। मैंने जब भी पहले सुबह वॉइस नोट कर दिया था दोनों सेशंस, ठीक है बेटा ज्वाइन कीजिए, अगर कोई अपनी जॉब पर था तो वो लाजमी रिकॉर्डेड देखे पहले, उसके बाद टेस्ट में अपेयर हो, डायरेक्ट कोई टेस्ट ना दे, हीरो हीरो कोई ना बने और ना कोई हीरोइन बने, ठीक है? पहले लेक्चर को सुने फिर टेस्ट दे। शी एट डिनर वाइल वॉचिंग हर फेवरेट टीवी शो। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है कि जब आप एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ देते हैं, देखें बिकॉज इट वॉज रेनिंग, मिधत बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्या ये सेंटेंस है? इज इट अ सेंटेंस? क्या मैं इसको सेंटेंस का दर्जा दे दूं? नहीं सर, बिकॉज इट्स नॉट गिविंग मी अ कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है इसमें सब्जेक्ट है, ठीक है इसमें वर्ब है, बट इट्स नॉट अ सेंटेंस। तो गोरे ने सेंटेंस से पहले हमारी जिंदगी में एक चीज हमें दे दी थी, वो क्या है? क्लॉज। मैं आपकी इसरार पर, कुछ बच्चों की इसरार पर, मैं यहाँ पर एक बात ऐड कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अंग्रेजी में सबसे पहले आपको पता है क्या आए? लेटर्स आए। लेटर्स से पता है लोगों ने क्या बनाना सीखा? बता दो ना, बता दो ना, लेटर्स से लोगों ने क्या बनाना सीखा? माशाल्लाह, जीत लिया, दिल जीत लिया आपने अक्सा, वर्ड्स बनाना सीखे, वर्ड्स बनाना सीखे, लेटर से वर्ड बनाना सीखा, वर्ड से आज मैंने क्या बनाना सिखाया आपको? सबसे पहली चीज वर्ड्स हमने जोड़े ना बेटा, इतनी आगे चली, अरे नहीं मुन्ना, हाँ वेरी गुड लेनोवा, वेरी गुड सिद्रा, वेरी गुड सिमरन,
जबरदस्त, हमने सबसे पहले फ्रेज बनाना सीखा. फॉर एग्जाम्पल, इन द क्लास, ऑन द रूफ. याद आ गई बातें? कुछ लोगों को आप समझ आ जाएंगी, कुछ लोगों को याद आ जाएंगी. एट द बस स्टॉप, ठीक है बेटा, बन गया फ्रेज. एट द बस स्टॉप एंड एन इम्पॉर्टेंट कॉल, एन इम्पॉर्टेंट कॉल. आगे चलिए. अच्छा, अब वर्ड के बाद फिर आपने क्या बनाया? ये वर्ड्स आपने जोड़े, फ्रेज बना. उसके बाद क्या बना? उसके बाद क्या बना? उसके बाद बना क्लॉज. लेकिन जब हमने क्लॉज को बनाया तो क्लॉज भी दो तरह के आ गए. पहला क्लॉज कौन सा सामने आया? इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले आ गई आपके सामने. अच्छा, मार इंडिपेंडेंट क्लॉज आया, उसके बाद कौन सा क्लॉज आया? डिपेंडेंट क्लॉज आया. डिपेंडेंट क्लॉज की एग्जाम्पल, डिपेंडेंट क्लॉज की एग्जाम्पल, इफ यू वर्क हार्ड. ये अच्छा, इसमें कभी भी फुल स्टॉप नहीं आएगा, कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, कभी भी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं आएगा. ये अपने बाद हमेशा कॉमा लेगा, ठीक है? लेकिन जब आप कोई इंडिपेंडेंट क्लॉज लिखते हैं, ये देखिए, सर हसीब टीचर्स अस, फुल स्टॉप. डू यू स्पीक इंग्लिश? क्वेश्चन मार्क. हेल्प मी? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन. अब बात समझ आई? जब आप कोई इंडिपेंडेंट क्लॉज लिखते हैं तो उसमें या तो फुल स्टॉप आएगा, या फिर उसमें कोई क्वेश्चन मार्क होगा, या फिर उसमें कोई मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा. लेकिन जब आप डिपेंडेंट क्लॉज को लिखते हैं तो डिपेंडेंट क्लॉज क्योंकि एक अधूरा सेंटेंस है तो अपने बाद कॉमा लेता है. ये निशानी है डिपेंडेंट क्लॉज की, ठीक है? फिर आपकी जिंदगी में आगे क्या आ गया बताइए. फिर लेटर से वर्ड बना, वर्ड से फ्रेज बना, फ्रेज से आप क्लॉज पर पहुंचे, क्लॉज से आप बाकायदा तौर पर सेंटेंस पर पहुंच गए. और सेंटेंस की जब हम बात करते हैं तो इत्तेफाक, इत्तेफाक, इत्तेफाक. सेंटेंस के अंदर भी आप यही बातें करेंगे जो बातें आपने इंडिपेंडेंट क्लॉज के अंदर की, ठीक है? आपकी आंखों को अब शायद बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो जाए. लेटर्स आए जिंदगी में, वर्ड आया, वर्ड के बाद फ्रेज आया, ठीक है? आया कि नहीं आया? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, तो शायद ये पिक्चर आपके जहन के अंदर इम्पोज हो जाए. फिर आपकी जिंदगी में क्लॉज आ गया, क्लॉज जब आया तो उसके बाद फिर सेंटेंस आ गया. जब सेंटेंस आया तो फिर आपकी जिंदगी में अब क्या आया बताइए. फिर आपके पास अफर्मेटिव आया, नेगेटिव आया, नेगेटिव के बाद क्वेश्चन आया, क्वेश्चन के बाद इम्पेरेटिव आया, इम्पेरेटिव के बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आया, एक्सक्लेमेटरी के बाद आपके पास क्या आया? एक्सक्लेमेटरी के बाद आपके पास ऑप्टेटिव सेंटेंस आया. आ गए भाई, ये आपका लेक्चर वन के अंदर आ गए थे. और आज अब जब आप लेक्चर टू के अंदर आए तो अब आपके पास सबसे पहले सिंपल सेंटेंस आया. और सिंपल सेंटेंस भी क्या चीज है जो संडे आपको सेंटेंस के बारे में बताया? सिंपल सेंटेंस, ये वेरिएशन ऑफ अ सेंटेंस, वेरिएशन ऑफ अ सेंटेंस लिख देते ताकि सेम हो जाए, वेरिएशन ऑफ अ
a सेंटेंस, उसमें सबसे पहले आपके पास आ रही है, सबसे पहले आपके पास आ रही है सिंपल सेंटेंस। अब बातें पूरी पिक्चर क्लियर हो गई भाई, पूरा पूरे मैंने कहानी लिख दी अब आपके सामने, जो पूरी कहानी चल रही थी। सिंपल सेंटेंस के बाद आपके पास आया कंपाउंड, कंपाउंड के बाद अब आया कॉम्प्लेक्स, और अब आखिरी चीज इसके बाद आएगी आपके पास कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। अब ले ले आप इसके स्क्रीनशॉट, ताकि आपको ये पिक्चर हमेशा देख लीजिएगा कि अच्छा, यहां से सर ने कहानी शुरू की थी। और लोग मुझसे बार बार पूछते हैं भाई आप जीरो से पढ़ाते, तो भाई ये जीरो लेवल ही है, इसके बाद तो मुझे नहीं लगता इससे पहले कुछ और है तो बता दीजिएगा सर, आप ये नहीं पढ़ाते, ठीक है? इसको और आसान कर देते हैं, लेटर वर्ड्स फ्रेज सेंटेंस, सेंटेंस आपके सामने आ गया, अफर्मेटिव नेगेटिव्स, उसके बाद वेरिएशन ऑफ अ सेंटेंस, वेरिएशन ऑफ अ सेंटेंस के अंदर ये पूरी पिक्चर आ गई। लाइव एंड एक्सक्लूसिव मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया, ठीक है? चले आगे चलते हैं। अब कंपाउंड सेंटेंस हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, कॉम्प्लेक्स और दोबारा देखिएगा, बिकॉज इट वॉज रेनिंग दे डिसाइडेड टू स्टे इनडोर्स। अब आप ये देखिए, बिकॉज इट वॉज रेनिंग सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, बट सेंटेंस इज इनकम्प्लीट। ही कैन नॉट प्ले बास्केटबॉल अनलेस ही वेयर्स प्रॉपर शूज, ही कैन नॉट प्ले बास्केटबॉल अनलेस, अगर मैं अनलेस ही वेयर्स प्रॉपर शूज सिर्फ इतनी बात करूं तो बात अधूरी है। इफ यू नीड असिस्टेंस, बात अधूरी है। तो डिपेंडेंट क्लॉज जब भी आता है तो वह अधूरी बात ही लेकर आता है, ठीक है? गॉट इट? एक और बात बता दूं, इंडिपेंडेंट क्लॉज से पहले इस तरह के सेंटेंसेस, आप इस तरह के वर्ड्स आपको लाजमी नजर आएंगे, और ये भी कंजंक्शंस ही होते हैं, ये भी कंजंक्शंस के खानदान से ही ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि ये भी आपके सेंटेंस को जोड़ रहे होते हैं, ठीक है भाई? चलिए अब आ जाइए आखिरी झटका, और जिस वेरिएशन पर आइल्स वालों को सबसे ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, जब भी मैंने आइल्स के पार्टिसिपेंट्स को भी अपनी वर्कशॉप का हिस्सा बना लिया, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लाजमी तौर पर आपको अपनी इस रिटन और स्पीकिंग में इस्तेमाल करना आना चाहिए। अभी तो पहले यही नहीं पता था कंपाउंड क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है, अब ये बात समझ जाइए। तो अगर देखो कंपाउंड सेंटेंस की बात करता हूं, तमाम स्टूडेंट्स भरपूर तवज्जा के साथ इधर देखिएगा, मैंने दो कंपाउंड सेंटेंस, दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ दिया। जब मैंने दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ा तो कैसे जोड़ा? शी वेंट टू द स्टोर एंड आई स्टेड होम, शी वेंट टू द स्टोर एंड आई स्टेड होम। अब इसके बाद जो मैं बात कर रहा हूं वो डिपेंडेंट क्लॉज है, बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, ये तो डिपेंडेंट क्लॉज जोड़ दिया। जब मैंने इसको जोड़ा तो ये अब बना कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और आइल्स के अंदर जो स्टूडेंट 7+ लेकर आते हैं उनकी राइटिंग और स्पीकिंग में ये वाले जुमले लाजमी तौर पर होते हैं। अगर आपको इस तरह की फॉर्मेशन नहीं आती तो ये फॉर्मेशन, ये वेरिएशन आपके पेपर में आपको लाजमी सीखनी पड़ेगी, बहुत आसान है। दे स्टडीड हार्ड फॉर द एग्जाम, मेरा एक सिंपल सेंटेंस। दे डिड नॉट परफॉर्म वेल, दूसरा सिंपल सेंटेंस। बीच में मैंने लगा दिया कंजंक्शन तो ये बन गया कंपाउंड सेंटेंस, लेकिन मैंने इसके आगे लगा दिया बिकॉज दे वर नॉट वेल प्रिपेयर्ड, तो ये बन गया अब आपका कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। आई बात समझ? आफ्टर शी फिनिश्ड हर प्रेजेंटेशन, ये पहले मैंने लगा दिया डिपेंडेंट क्लॉज। शी आंसर्ड क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस एंड एवरीवन अप्लॉडेड, ये अब मैंने लगाया एक कंपाउंड सेंटेंस, तो बन गया कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। एक छोटा सा इम्तिहान ले लें आपका, ले लें इम्तिहान, ये इम्तिहान आपको आपके नोट्स में दे दिया गया है,
हर बात को समझाने के बाद, हर बात को समझ जाए वो छोटी सी बात हो, आप देखिएगा मेरे हर नोट्स के अंदर आपको एक्सरसाइज मिलेगी विद आंसर्स, और उसी का आपको टेस्ट मिलेगा। अगर आपने, चाहे आप आइल्स पार्टिसिपेंट हो, आपको इस तरह से लेक्चर्स मिलते रहेंगे। चाहे आप स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कर रहे हो, आप मेरा एक लेक्चर सुनेंगे, लेक्चर सुनने के बाद आप इस तरह से एक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, और फिर उसके बाद आप टेस्ट लेंगे। रेगुलर आमतौर से मेरे जितने भी टेस्ट होते हैं वो सैटरडे को होते हैं। वर्कशॉप में मैं टॉपिक के साथ साथ ही लेता रहता हूँ, ताकि आप लोग फौरन बातों को सुने और टेस्ट में अपेयर हो जाए। लेक्चर टू ये मेरा है, इसके साथ भी एक टेस्ट अभी आपको, जस्ट आफ्टर दिस सेशन यू विल रिसीव अ टेस्ट। ठीक है? अच्छा, मैं ये चाहता हूं कि आप इन सेंटेंसेस को जोड़ें। मुझे नहीं पता क्या लगाऊं, एंड लगाऊं, बट लगाऊं, और लगाऊं, सो लगाऊं, येट लगाऊं। एंड का मतलब और, बट का मतलब लेकिन, और का मतलब या, सो का मतलब इसलिए, येट का मतलब फिर भी, येट का मतलब फिर भी। अच्छा, मैंने एक अलग से कंजंक्शंस के ऊपर लेक्चर को रिकॉर्ड किया है, कंजंक्शंस के ऊपर अलग से नोट्स क्रिएट किए हैं, वो लाजमी तौर पर आप देखिएगा जब आप सैटरडे को देखें, संडे को देखें। लेकिन आप देखिएगा, जब आप सबसे बुरा टेस्ट आप कंजंक्शंस का देंगे, लेकिन अगर आप कंजंक्शन का लेक्चर सुन लें पहले और फिर टेस्ट में अपेयर हो जाए, तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक है? तो आज मैं वादे के मुताबिक लेक्चर वन के साथ मैंने आर्टिकल्स का एक सपोर्टिंग लेक्चर देना है, और लेक्चर टू के साथ कंजंक्शंस का। चले, आई एंजॉय प्लेइंग द पियानो। आप चैट में लिखिएगा जवाब, माई सिस्टर प्रेफर्स प्लेइंग द गिटार। आप वन डॉट करके लिखें, मैं क्या लगाऊं, यहां एंड लगाऊं या बट लगाऊं? एंड लगाऊं या बट लगाऊं? अपना जवाब याद रखिएगा, ज्यादातर लोगों, किसी का जवाब एंड आ रहा है और किसी का जवाब बट आ रहा है। ही वेंट टू द स्टोर, ही वेंट टू द स्टोर एंड ही फॉरगॉट टू बाय मिल्क, बट ही फॉरगॉट टू बाय मिल्क। क्या लिखूं? किसी ने कहा बट, किसी ने कहा एंड, किसी ने सो। मैंने तो ऑप्शन भी नहीं दिया था, मैंने तो दो ही ऑप्शन दिए थे, 50-50 कर दिया था। शी लव्स रीडिंग नॉवेल्स, शी ऑल्सो एंजॉयज वॉचिंग मूवीज। क्या लिखूं, एंड लिखूं या बट लिखूं? दे प्रैक्टिस फॉर आवर्स, दे परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल इन द कॉन्सर्ट। एंड लिखूं या कुछ और लिखूं? अपने जवाब याद रखिएगा कि आपने क्या लिखा। नंबर फाइव, वी कैन गो फॉर अ वॉक, वी कैन ऑल्सो स्टे होम एंड वॉच अ मूवी। क्या लिखूं? सिद्रा, एक्सेलेंट आंसर। लेनोवा, वेरी गुड। सिमरन, वेरी गुड। चले, अच्छा, अब अपने आंसर्स को टैली करें। आई एंजॉय प्लेइंग द पियानो बट माई सिस्टर, ही वेंट टू द ग्रोसरी स्टोर बट ही, She loves reading novels and enjoys watching movies. They practice for hours and they perform exceptionally well. We can go for a walk or we can stay home. अब बताइए अपना स्कोर, 5 out of 5 अपना स्कोर लिखें। सर मेरे 2 सही हुए, 2 में 5 में से 2, 4 सही, 2 सही, 3 सही। इसका मतलब तवज्जा की बहुत जरूरत है। वेरी, 1 सही, हाय अल्लाह, 2 सही, जितने सही हुए 5 में से 5 सही, माशाल्लाह, जबरदस्त, छा गई भैया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले अगर आप इस एक्सरसाइज को कर लेंगे ना, तो आपका रिजल्ट और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं, आप वन डॉट करके लिखिएगा, या अगर आप माइक में बोलना चाह रहे हो तो माइक के लिए आपको अपना हैंड रेस करना पड़ेगा। आप हैंड रेस करके भी अपना जवाब सबमिट करवा सकते हैं। शी लव्स टू सिंग, शी लव्स टू सिंग, इट इज अ सिंपल सेंटेंस,
कंपाउंड सेंटेंस और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। वेरी गुड, एक्सेलेंट सर। इट इज अ सिंपल सेंटेंस। आई वेंट टू द स्टोर एंड आई बॉट सम ग्रॉसरी। मेधा, तब बात समझ आ रही है? जब आप लेक्चर को सुनते हैं ना, उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं तो आपको हर चीज क्लियर हो जाती है। कंपाउंड सेंटेंस, एक्सेलेंट आंसर। आफ्टर आई फिनिश माई वर्क, आफ्टर आई फिनिश माई वर्क आई विल गो फॉर अ वॉक। अब बताइए ये कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है? थ्री डॉट करके लिख दीजिएगा। वेरी गुड नेता, ये सिंपल है। सोच लें, कुछ लोगों ने सिंपल लिख दिया थ्री को। सिंपल सेंटेंस में तो एक ही जुमला आता है ना, आफ्टर आई फिनिश माई वर्क। सोच लें सिमरन, सोच लें। आफ्टर आई फिनिश माई वर्क, बात अधूरी है, इसको अलग कर देते हैं, इसको अलग कर देते हैं। कंपाउंड सेंटेंस की निशानी ये है कि अगर आप उन दोनों जुमलों को अलग कर दें तो उनको किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई वेंट टू द स्टोर, अल्लाह हाफिज। आई बॉट सम ग्रॉसरीज, टाटा बाय बाय। आगे पीछे कुछ जरूरत नहीं है बोलने की। आई विल गो फॉर अ वॉक, ओके। इंडिपेंडेंट सेंटेंस, इंडिपेंडेंट क्लॉज, सिंपल सेंटेंस। आफ्टर आई फिनिश माई वर्क, आगे बोले सर, आगे बोलिए ना। बोलते क्यों नहीं, खामोश क्यों हो गए? अधूरी सी बात की है सर आपने, तो अधूरी सी बात कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ही लाइक्स टू प्ले बास्केटबॉल बट ही डज नॉट एंजॉय फुटबॉल। वेरी गुड समीना, वेरी क्विक आंसर। दैट्स वेरी गुड, अक्सा वेरी गुड। क्या इसी तरह से आप इन तमाम सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है? आइडेंटिफाई करने के बाद ईमानदारी से अपने आंसर्स को टैली कर लीजिएगा, ठीक है? कर लेंगे आंसर्स को टैली, पक्की बात है। चले आगे चलते हैं। अभी देखें, मैं बिल्कुल जीरो लेवल पे चल रहा हूं, मैं कहीं आगे नहीं गया हूं। आई एम स्टैंडिंग ऑन जीरो लेवल। लोग मुझसे बार बार सवाल करते हैं, भाई आप बेसिक से पढ़ाते हैं। मैं बेसिक से पहले और जो भी चीजें होती है वहां से पढ़ाता हूँ। लोग समझते हैं कि हर चीज के अंदर जो है वो बेसिक होती है। बेसिक तो बेटा हर चीज में है, बेसिक टू एडवांस पढ़ाई जाती है। ये आप लोगों ने आज तक नहीं पढ़ी, क्योंकि आपने बेसिक टू एडवांस कभी चीजें नहीं पढ़ी। आपने सिर्फ सिंपल सेंटेंस पढ़ा था ना भाई, शी राइट्स अ लेटर, तो दैट्स अ बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर। आज मैं आपको बेसिक टू एडवांस ले जा चुका हूं। समझना बात को, सिंपल सेंटेंस इज अ बेसिक फॉर्मेशन। बेसिक टू एडवांस जो चीज होती है बेसिकली, वो ये नहीं कि आपने प्रेजेंट सिंपल पढ़ा तो ये बेसिक है। प्रेजेंट सिंपल टॉक्स अबाउट प्रेजेंट, ये बात बेसिक है। आई स्पीक इंग्लिश, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। लेकिन बेसिक टू एडवांस अगर मैं बात करूं तो प्रेजेंट सिंपल कैन टॉक अबाउट फ्यूचर। प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर की भी बात कर सकता है, दिस इज एन एडवांस पॉइंट। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टॉक्स अबाउट समथिंग इज गोइंग ऑन, दिस इज अ बेसिक थिंग। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कैन टॉक अबाउट फ्यूचर, ये बात आपकी एडवांस्ड है। बेसिक टू एडवांस का मतलब ये होता है, आपको ये बात समझ नहीं आ रही होती, मैं आज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, और कोई भी एक्सप्लेन नहीं करता बच्चों को, कि देखिए बेसिक का मतलब ये नहीं कि आप पहले बेसिक पढ़ेंगे फिर आप इंटरमीडिएट फिर एडवांस। नो, वॉट एवर यू आर लर्निंग यू विल लर्न बेसिक टू एडवांस, कि आपको उसकी बेसिक भी पता हो और आपको उसका एडवांस पॉइंट भी आता हो। गॉट इट? आर यू गेटिंग माई वर्ड्स? वॉट डू वी मीन बाय बेसिक टू एडवांस? अब जैसे एक सेंटेंस स्ट्रक्चर आपके सामने, सर ये तो बड़ा बेसिक सा स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट था। अब मैं आपको बेसिक टू एडवांस पे लेके जा रहा हूं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। आज के सेशन में मैं एडवर्ब को डिफाइन कर रहा हूं और कुछ चीजें याद करवा रहा हूं। अगर तुम ये चीजें याद कर लो,
यकीन करो तुम्हारी टेंसेस की गलतियां आज ही खत्म हो जाएंगी। चीजें बहुत आसान है, लोग पढ़ाते बहुत मुश्किल से हैं। देखो गौर से देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर में हम कल बात करेंगे, ऑब्जेक्ट पे हम कल बात करेंगे, यानी कि कल हम प्रोनाउन फैमिली पे बात करेंगे, ठीक है। वर्ब के ऊपर थोड़ी सी बात हम प्रोनाउन फैमिली से बात के बात करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी हम कर रहे हैं एडवर्ब पर। सर व्हाट डू यू मीन बाय एडवर्ब? मेरा इस वक्त एडवर्ब से मुराद टाइम एक्सप्रेशंस है। सर व्हाट कैन यू एक्सप्लेन एडवर्ब? एडवर्ब की डेफिनेशन बहुत बड़ी है, मैं एडवर्ब को जिस मीनिंग्स में यहां पर इस्तेमाल कर रहा हूं वो एक्सप्लेन कर रहा हूं। एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज वर्ब, विच डिस्क्राइब्स वर्ब, विच टेल्स अस मोर अबाउट वर्ब, विच हेल्प्स वर्ब। जब भी इसको कहा गया है एडवर्ब, इट एक्चुअली एड्स द मीनिंग इन वर्ब। ये वर्ब की मीनिंग्स में एडिशन करता है। ये वर्ब और एडवर्ब का रिलेशन अभी आपको समझ आएगा। आप अगर गौर से देखें अपनी स्क्रीन के ऊपर तो डेली, ऑलवेज, नॉर्मली, यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स, एवरी डे, एवरी संडे, एवरी वीक, दे ऑल आर एडवर्ब्स, और इनका ताल्लुक आपके टेंस से है प्रेजेंट सिंपल, जैसे टीच और टीचेस। एट द मोमेंट, स्क्रीन को थोड़ा सा आपके लिए बड़ा कर देते हैं ताकि आपको आंखें को तकलीफ ना हो। देखिएगा, एट द, आप मोबाइल फोन पे दो उंगलियां रख के स्क्रीन को और बड़ा कर सकते हैं। एट द मोमेंट, दीज डेज, नाउ डेज, राइट नाउ, और नाउ, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, याद करना है आज रात सोने से पहले। रिसेंटली, जस्ट, ऑलरेडी, बिफोर, येट, सो फार, एवर, प्रेजेंट परफेक्ट। यानी कि सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि हर एडवर्ब जो है एक स्पेसिफिक सिचुएशन में आता है। बहुत अच्छी बात आपको समझ आई। ये एडवर्ब्स प्रेजेंट सिंपल में आते हैं, ये एडवर्ब्स प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में आते हैं, ये एडवर्ब्स प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं। लगाओ रट्टा, रट्टे वाली तो कौम है हम। ये दो प्रेपोजिशंस हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में आते हैं, और ये जो एडवर्ब्स हैं ये पास्ट टेंसेस में आते हैं, यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, इन चाइल्डहुड, टुमारो, टुनाइट, नेक्स्ट वीक, दे आर फ्यूचर टाइप वर्ड्स, सो यू विल फाइंड देम इन फ्यूचर सिंपल। अब आप जरा ये देखिए और समझिए, अगर मेरे पास एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ही राइट्स अ लेटर एवरी मंथ, सो ये राइट्स जो मैंने लिखा, ये जो राइट्स लिखा सर ने, और यहां जो लिखा एवरी मंथ, इन दोनों का बहुत गहरा ताल्लुक है। राइट्स भी प्रेजेंट की बात करता है, एवरी मंथ भी प्रेजेंट की बात करता है। अगर मैं इसको लास्ट मंथ कर देता हूं तो देखिए मेरे पास वर्ब ने भी अपनी शक्ल को बदल लिया। मोहब्बत हो तो ऐसी। ये नेक्स्ट मंथ अगर मैंने लिखा तो यहां देखिए वर्ब ने फिर अपनी शक्ल बदल ली। मैंने समटाइम्स लिखा, सारा कॉल्स मी समटाइम्स, समटाइम्स लिखा तो कॉल्स, यस्टरडे लिखा तो कॉल्ड, टुमारो लिखा तो विल कॉल। अब मुझे, और अगर अब आप मुझे बताएंगे, अगर मैंने लिखा इट रेन और आगे सिंस मॉर्निंग, अब बताओ जवाब स्क्रीन को देखकर कि अब जवाब क्या होगा? इट रेन और आगे आ गया सिंस मॉर्निंग, तो अब जवाब में फर्रा देखो, फर्रा 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 देखो, सिंस कहाँ लिखा हुआ है, आगे टेंस देखो, फॉर्मूला पकड़ो, जब लेकर जाओ, इट रेन सिंस मॉर्निंग, इट रेन सिंस मॉर्निंग, वेरी गुड, एक्सेलेंट आंसर अक्सा, यू आर अ क्विक लर्नर। नेक्स्ट नायला, सिंस और फॉर सर ने कहां लग, फैमिली वर्ड कहां पर दिए, ये देखो फैमिली वर्ड सिंस ये लिखा हुआ, इसके आगे फॉर्मेशन देखो कौन सी इस्तेमाल होगी, हैज बीन, हैव बीन, प्लस वर्ब आईएनजी, लगा दो, याद करना पड़ेगा, कुछ चीजों को याद करना पड़ता है। तो जवाब क्या होगा, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अगर टुमारो लिखा हुआ है तो बताओ, अब फर्रे को देखो, अब बताओ जवाब क्या होगा, टुमारो लिखा हुआ है, जल्दी से बताइए, तमाम स्टूडेंट्स के जवाब आते हैं,
तो हम हमारा दिल मुतमईन हो जाता है। हाँ भाई समझ आ गई, सिद्धरा जवाब लिखिए। इट रेन टुमारो, अस्तगफिरुल्लाह, ये कौन सी अंग्रेजी है? विल हैज बीन रेनिंग, यहां पर देखो विल के बाद फर्स्ट फॉर्म आ रही है, इधर देखो ना ऊपर ही, वहां क्यों अटक गई सुई, सुई को नीचे लेकर आओ ना बेटा। इट विल रेन टुमारो, वेरी गुड अहमद, खुशी हुई किसी लड़के ने जवाब दिया हमें। इट विल रेन टुमारो, इट रेन एट द मोमेंट, इट रेन, अब एट द मोमेंट पकड़ो कहाँ आ रहा है ये देखो, एट द मोमेंट ये रहा, ये फर्रा याद करना पड़ेगा, ये आज का होमवर्क है आपको याद करना है भाई। इट रेन एट द मोमेंट, 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 सो क्या होगा, इट इज रेनिंग एट द मोमेंट, वेरी गुड। अगर मैं ऑफन लिख दूं तो देखो ऊपर जाओ, ऑफन कहां पर आ रहा है, प्रेजेंट सिंपल, तो अब क्या होगा, इट ऑफन रेन हियर, अब मैं रेन के साथ सिर्फ किस चीज का एडिशन कर दूं, सिर्फ किस चीज का एडिशन कर दूं, सर एस लगा दीजिए, इट ऑफन रेन्स, क्योंकि ही शी इट के साथ हम एस और एस लगाते हैं, आ गई बात समझ। सर हसीब यूजुअली टीच अस ट्वाइस अ वीक, अब यूजुअली आ गया, जब यूजुअली आपने देखा तो आप बताइए आप कहाँ जाएंगे, जब आपने यूजुअली को देखा तो अब आपका जवाब क्या होगा, टीच के साथ सिर्फ आप क्या किस चीज का एडिशन करेंगे, प्रेजेंट सिंपल लगाना है, सर टीचेस हो जाएगा, वेरी गुड। सर हसीब यूजुअली टीचेस अस ट्वाइस अ वीक, सर हसीब टीच अस राइट नाउ, अब राइट नाउ देखकर कौन सा टेंस लगाओगे, याद रखना मेरी ये बातें, इसके ऊपर ये सपोर्टिंग लेक्चर है मेरा, आगे एक मैं लेक्चर डिलीवर करूंगा, मैं इसका रेफरेंस दूंगा आप लोगों को, ठीक है। सर हसीब इज टीचिंग अस राइट नाउ, वेरी गुड। अब ऑलरेडी अगर आ गया, सर हसीब ने हमें, सर हसीब ऑलरेडी टीच अस टेंसेस, देखो ऑलरेडी कहाँ आता है, सर हसीब हमें पहले ही टेंसेस पढ़ा चुके हैं, वेरी गुड अहमद, सर हसीब हैज ऑलरेडी टॉट अस टेंसेस, अब आ रहा है नेक्स्ट वीक यानी कि फ्यूचर, अब क्या होगा, हलवा हो गया, अब तो सर हसीब विल टीच अस टेंसेस नेक्स्ट वीक, और अगर लास्ट वीक लिखा हुआ है तो अब टीच कहां चला जाएगा, सेकेंड फॉर्म में जाएगा और बन जाएगा सर हसीब टॉट अस टेंसेस लास्ट वीक, बात समझ आई क्या, मेरा ये सपोर्टिंग लेक्चर आप तमाम स्टूडेंट्स को याद रहेगा, मैं आगे चल के अगर आप रेगुलर कोर्स का हिस्सा बनते हैं तो आपको मैं रेफरेंस दूंगा, याद करें मैंने आपको पहला एक एडवर्ब के बारे में लेक्चर दिया था जिसमें मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोट्स में नहीं मिलेंगी बातें आपको, क्योंकि ये मैंने लाइव एंड एक्सक्लूसिव लिखा था स्टूडेंट्स के लिए, तो ये बात इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने नोटबुक में लिख लीजिए ना, तो ये रेफरेंस आएगा इस लेक्चर का, और वो लेक्चर मेरे ख्याल से मैं थर्सडे को डिलीवर करूंगा, और उस लेक्चर का नाम भी नोट कर लें, मेन वर्ब वर्सेस ऑक्सिलरी वर्ब, जिस दिन मैं ये लेक्चर डिलीवर करूंगा इसका रेफरेंस दूंगा। सर कल की वर्कशॉप्स में आप क्या पढ़ाने जा रहे हैं, कल की वर्कशॉप में मैं आपको सेंटेंस फॉर्मेशन, इसको हम कंटिन्यू करेंगे, और इसके अंदर आप पढ़ेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, फिर आप कल के दूसरे सेशन नशिस्त में आप प्रोनाउन फैमिली को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, प्रोनाउन फैमिली के अंदर आप बहुत सारी पूरे सारे प्रोनाउंस को पढ़ेंगे, इसके अंदर शायद आपका इन्फिनेटिव और जेरंड से भी इंट्रोडक्शन होगा, और कल की वर्कशॉप के बाद आपके पास टोटल 6 टेस्ट भी आ जाएंगे, वो जो आप साथ साथ सॉल्व करते रहिएगा, ठीक है। वापस आते हैं, थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं, आप लोगों से बातचीत करते हैं, और टॉपिक को अच्छा सा डिसाइड करते हैं। रेज योर हैंड इफ यू आर रेडी टू स्पीक, व्हाट इज योर करंट जॉब, मैं बोलना भी सिखा देता हूं, इस तरह से आप लोगों के डिस्कशन सेशंस होते हैं, वर्कशॉप रखने का मकसद यही है ताकि आपको पता चले कि सर ग्रामर कैसे पढ़ा रहे होते हैं, सर ने अपना बकायदा पूरा एक लेक्चर, आप 2 लेक्चर्स आपको डिलीवर कर दिए हैं, आप रेगुलर सेशन में ज्वाइन करेंगे तो ये लेक्चर्स ऑलरेडी आप लोग अटेंड कर चुके हैं, तो इसको ये स्किप कर देंगे हम आपके,
फिर आप डिस्कशन क्लास में जाते हैं। डिस्कशन क्लास हेल्प्स यू टू गेट फ्लुएंसी। हमें पता होता है कि ये बच्चा बहुत ही अभी जीरो लेवल पर है, तो इससे ऐसे सवाल करो कि बस ये एक जवाब दे दे। ये सवाल का जवाब हर स्टूडेंट दे सकता है। व्हाट इज योर करंट जॉब? सर आई डोंट डू एनी जॉब, एक्चुअली आई एम अ हाउस वाइफ। तो फिर वेयर डू यू वर्क, ये वाला सवाल भी खत्म हो गया। व्हेन डिड यू स्टार्ट योर करियर, ये सवाल भी गया। हु इज योर मेंटोर एट वर्क, सारे सवाल आपके चले गए। वाई डिड यू चूज दिस प्रोफेशन, हाउ डू यू हैंडल वर्क रिलेटेड स्ट्रेस। इफ यू आर अ वर्किंग पर्सन देन यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, तो बहुत सारी मेरे पास हाउस वाइफ होती है। हम आगे चलते हैं। व्हाट वॉज योर मेजर इन स्कूल? हाँ, ये सबका मेजर था। माई मेजर वॉज कॉमर्स। वेयर वॉज योर स्कूल और यूनिवर्सिटी? इट वॉज लोकेटेड इन MP एरिया। हाउ डिड यू यूज टू स्टडी? आई यूज टू स्टडी बिफोर एग्जाम्स, एंड आई यूज टू बिकॉज आई हैव बीन टीचिंग सिंस आई वॉज इन फर्स्ट ईयर, सो आई यूज टू टीच होल डे एंड आई यूज टू स्टडी ऑन वीकेंड्स, लाइक ऑन सैटरडे एंड संडे। हु वॉज योर फेवरेट टीचर? आई हैड सो मेनी फेवरेट टीचर, दे आर स्टिल माई हॉट फेवरेट, बट इन स्कूल मिस रजिया सुल्ताना, शी वॉज वन ऑफ माई फेवरेट। अल्लाह पाक उनकी मगफरत फरमाए। शी वॉज वन ऑफ माई फेवरेट। शी वॉज माई इंग्लिश टीचर। मिस नाहिद, शी वॉज माई वन ऑफ माई फेवरेट्स। शी वॉज माई बेस्ट टीचर एंड आई यूज टू कॉल हर। शी वॉज माई क्लास टीचर इन क्लास 3 एंड शी वॉज माई बेस्ट टीचर। एंड माई सर वजाहतुल्ला सोहरावर्दी लेट, ही वॉज वन ऑफ माई फेवरेट्स। व्हाई इज एजुकेशन इम्पॉर्टेंट टू यू? इट्स रियली, अब देखें इस सवाल के जवाब में आप चाहें तो एक सेंटेंस बोले, आप चाहें तो दो सेंटेंस बोले। अगर आप बोल सकते हैं तो जितना बोलना है बोलिए, आपको मौका ही दिया जाता है डिस्कशन क्लास में बोलने का। ठीक है, एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट टू मी बिकॉज इट एक्चुअली गिव्स यू अ सेंस ऑफ लिविंग, इट गिव्स यू एक्सपोजर ऑफ टू द होल वर्ल्ड, इट टेल्स यू अबाउट द डिफरेंट थिंग्स, अबाउट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स। हाउ डिड यू यूज टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स? आई यूज टू राइट अ लॉट, आई यूज टू राइट एंड लर्न, बिकॉज आई वॉज वेरी वीक स्टूडेंट, सो आई यूज टू राइट, आई यूज टू राइट द सेम आंसर 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, बट आई यूज टू फॉरगेट इट। चलें, अब आप देखते हैं आप लोग क्या बोलते हैं। कोमल इज गोइंग टू पार्टिसिपेट। यस कोमल, रेज योर हैंड इफ यू आर रेडी टू पार्टिसिपेट। कोमल, आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ अनम्यूट, तो आप अनम्यूट करेंगी तो आपका माइक खुल जाता है। अजवा, सिद्रा, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। यार सर, माय मेजर इन स्कूल वाज नो माय मेजर इन यूनिवर्सिटी वाज माइक्रोबायोलॉजी एंड आई माय यूनिवर्सिटी नेम इज GCU लाहौर। आई यूज टू स्टडी लास्ट नाइट, नॉट बिफोर वन डे बट एट द लास्ट नाइट बिफोर पेपर। एंड माय That's very फेवरेट good. टीचर वाज डॉक्टर महमूद। ही वॉज लाइक अ फैमिली टीचर एंड ही टॉट अस फॉर 4 years। एंड वाई एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर मी? एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर मी बिकॉज थ्रू लर्निंग वी कैन मैनेज लॉट्स ऑफ थिंग आफ्टर सम एक्सपीरियंस, सम नॉलेज, एंड मेक्स लाइफ वेरी इजियर। इट्स मेक्स मी एबल टू अंडरस्टैंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। एंड हाउ डिड यू यूज टू प्रिपेयर? हाँ, आई यूज टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम थ्रू राइटिंग एंड ऑल्सो थ्रू रीडिंग एंड थ्रू डिस्कशन विद माई फ्रेंड्स इन ग्रुप्स। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आप लोग बेटा अपना व्हाट्सएप चेक कीजिएगा। थोड़ी देर बाद मैं आपसे आज का ये जो लेक्चर है ये भी शेयर करूंगा, और फिर मैं आपसे आज का टेस्ट
टू भी शेयर करूंगा, और वादे के मुताबिक आर्टिकल्स और कंजंक्शंस के आपको भी नोट्स और लेक्चर में आपसे शेयर करूंगा, उसको अपने फ्री टाइम में लाजमी तौर पर देखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह सी यू टुमारो इन स्पोकन इंग्लिश वर्कशॉप। और अगर आप आइल्स प्रिपरेशन में इंटरेस्टेड है तो आज रात 10:15 बजे आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम।